माइक से बोलो। फतेहाबाद जिले से, गांव जलनिया से। फतेहाबाद जिला, गांव जलनिया। कौन से प्रदेश में है ये? हरियाणा में है। हरियाणा में कि हरियाणा में? हरियाणा में। अच्छा, हमें लगा हरियाणा में है। हमें लगा नया प्रदेश बन गया। पहली बार आए? हाँ जी, दो दिन हो गया जी आया ना। दो दिन से? हाँ जी, दो बार बागेश्वर धाम जाके आए थे तुम। अच्छा, पुराने घर में मिले थे। हाँ, आप गए थे हरियाणा वासी, क्या हाल है? अच्छा, हाँ जी। तो हमारे जहाँ हमारा जन्म हुआ माताजी वाला, वहाँ? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तो हम कभी कभी जाते हैं। कभी कभी एक बार ही गए थे, जब जी सूत बैठ गई कुदरती भगवान की दया से। तो तुम हमारे पुराने निवास पर चले गए? हाँ जी। गजब, हम वहाँ कभी कभी जाते हैं चाय पीने के लिए। हमारा घर है जो पुराना वाला, जहाँ जन्म हुआ, अभी भी ये गांव में, टूटा है, अब तो सही बन गया, अच्छा बन गया है। जब छात नहीं थी उसके। हाँ हाँ हाँ, उसी वक्त, तब हमने अभी बनवा लिया है, अच्छा बन गया। माता जी भी कई बार वहीं भोजन बनाने जाते। ठीक है, ठीक है। क्या जानना है हनुमान जी से, क्या प्रार्थना है जी? एक लड़की बीमार रहती है, उसकी माई बीमार रहती है, एक पोती एक पोता है। वो तुम्हारी घर वाली को क्या है? बुखार रहता जी, बहुत दवाई दरा ली आराम। घर वाली को बुखार है कि लुगाई को? लुगाई मान लो जी। मान ले के है जी। और पूछो। और जी एक पोती है 2 साल की, साफ नहीं बोलती, उसके ऑपरेशन होया सा जी। ठीक, पढ़े लिखे हो? हाँ जी। ठीक, आओ नजदीक। सभी बीमार रहते निरोगी रहेंगे, पोती को भी हैरानी बनी, पत्नी पर भी कृपा होगी, परिवार पर भी कृपा होगी। पोती के लिए तुम्हें एक काम करना है, अपने घर से मिट्टी लेकर के आना है। मूक बद्धता नहीं है, स्पष्ट शब्द नहीं है, शब्द तो निकलते हैं स्पष्ट नहीं है, कुछ कुछ रुक कर के बोलने लगती है, बाकी उसे पूर्ण आराम है और प्रेत बाधा का प्रभाव नहीं है। पत्नी पर प्रेत बाधा का प्रभाव है, लगातार अस्वस्थ होती, पैरों में दिक्कत, पेट में दिक्कत बनना व लगातार शरीर सुस्त बने रहना, जकड़ लेता है कोई, यह दिक्कत तुम्हारी पत्नी को बनी हुई है, वह संकट है प्रेत बाधा का, धाम से हट जाएगा, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक से बोलो। एकदम सही जी। एक लड़की है, उसके गंठिया भाव की शिकायत है जी। उनको लाना पड़ेगा, उनकी अर्जी नहीं आ पाई। अच्छा जी, उसके मालिक के अर्जास करो जी। हाँ, हम अर्जी उनकी लगा दे दी। ठीक ठीक है जी, वहाँ लाना पड़ेगा धाम जी। धाम पे लाना है, पूरी पेशी करनी है। एक विधि हमने लिखी और मंत्र भी लिखा। विधि में आपको 9 दिन की अखंड जोत जलानी है, पंडित जी पूरा पढ़ के बता देंगे। ठीक, तुम धाम आ जाइयो, जाओ, जय जय हो जय। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। चलो अंगला, वो ताऊ को भेजो सामने वाले। हाँ, दादाजी को आओ। माता जी, तब तक तुम लोकल सिरसा, हम वोकल बाबा। अच्छे से बैठ जाओ। जब तक इनकी अर्जी बार बार, एक दादाजी यहां बैग टांगे, कोई सफेद तौलिया बांधे। हाँ, यही यही, इनको भेज दो भैया, इनकी अर्जी लग गई है, यहीं से भेज दो, यहीं से भेज दो। श्री तारा बाबा महाराज की जय। पहली बार आए हैं बाबा जी यहाँ पर? पहली बार आऊँ, पहले परसों रात को अंदर आपके पास आया था। अच्छा, घुस गया था फ्री फंड में। कहाँ घुस गए थे तुम? जहाँ बैठते हो रात में। अच्छा, जहाँ हम रहते हैं निवास में। हाँ, क्यों घुस गए थे? तो किसी ने चैलेंज किया था बाबा जी। चैलेंज किया था? हाँ, क्या चैलेंज किया था?
कि भाई वहां पर तो फोन के बिना अंदर नहीं घुस सकते, बिना फोन करवाए अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा, मैंने बोला दिल की इच्छा होगी, बंदा साफ सुथरा होगा तो अपने आप अंदर जाएगा। हैं? बिल्कुल। तुम घुस गए? घुस गए। हमारे कमरे में घुस गए थे क्या? नहीं, जहाँ पर झूले पर आप बैठे थे। अच्छा, जो झूला वाला बाहर वाला, तो तुम वहाँ घुस गए थे? आपके प्रसाद मिला था आपके हाथों से। अच्छा, ठीक। प्रश्न तो नहीं कोई पूछा था? कोई बोला तो नहीं? किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी, आपने कुछ भी नहीं कहा था, प्रसाद ही चुपचाप में आ गया था। अच्छा, प्रसाद जो भभूति हम बांटते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक, क्या प्रश्न करोगे आप? तो जानी जानो जी। बालाजी जानी जान, पूछो। आप जानी जानो जी। ए बोल ठटरी के बारे, अंग्रेजी बोला, बोलो क्या प्रश्न है? बाबा जी इतना कमाता हूँ, कुछ बचता नहीं है। कितना कमाते हो? उड़ा देते हैं सब। संगत खराब होगी ना? नहीं ऐसी भी कोई। तो फिर कहाँ उड़ाते हो? आसमान में उड़ाते हो क्या? यारी दोस्ती में। हाँ, तो वही तो संगत है। उधारी में, उधारी। चलो और पूछो, प्रश्न पूछो। बस माँ अपनी मैया के बारे में क्या? थोड़ा सा मकान बन जाए, छोटा सा और सुंदर सी बहू आ जाए। लुगाई चाहिए? हाँ जी। अपने वाली लुगाई चाहिए कि दूसरी वाली? अपने लिए, अपने वाली। एक तुम्हारी वाली है, ठीक है, जिससे तुम्हारा लवेरिया है, ठीक है जी। वो वाली चाहिए कि दूसरी वाली चाहिए? वो ही वाली। अच्छा है, लड्डू फूट रहे ठटरी के बरे, नकटा पड़ो, नजदीक आओ। बहुत सोच रहे थे कि हमारे बारे में बुलावें तो जाने हनुमान जी की शक्तियों को, वरना अपने लोगों को बुलाते हैं या पता करवा लेते हैं। तुम्हारी ठटरी मकान बन जाएगा, लब्बेबाय हो जाएगा, माँ स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद है। बिल्कुल सच है बाबा जी, 100% नकट। आप कान पकड़ के एमपी बन गए जी। क्या बन गए? एमपी। महापागल, महापागल। क्षमा मांगो उनसे, कान पकड़ के, कान पकड़ो। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अब बैठ जाओ, कभी बुलाओ, धाम आना है तुमको। बिल्कुल। ये हमने दो विषय और लिखा, धन रुकेगा, मन अस्थिरता होती है, साथ में विसंगति भी है, लोगों पर भरोसा जल्दी कर रहे हैं और संपर्क बनाने के चक्कर में धन को खर्च कर देते हैं, उधारी के तौर पर दे देते हैं, लोग बाद में मन काट लेते हैं, जिस कारण से आपका काम लगातार डाउन होता चला जा रहा है, वह वर्तमान में स्थिति विचित्र होती चली जा रही है। फोकस करें, सहयोग तो करें, अत्यधिक सहयोग ना करें। मकान का योग बालाजी की प्रेरणा अनुसार 2026 में एक जगह तुमने देख ली है, एक जगह तुमने निश्चित कर ली है, वहीं पर 2026 में गृह प्रवेश हो जाएगा। तो तुम अपने हिसाब से कर चुके हो, बस सामाजिक रूप से घर आ जाए लुगाई, आशीर्वाद है।